हेलो दोस्तों, कूड कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि कम से कम खर्चे में अपने घर को सुंदर से सुंदर डेकोरेट कर सकें। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसा ही एक बहुत स्मार्ट आइडिया, जिसमें आप एक मिट्टी की मटकी को सजाकर उसे अलग अलग तरह से अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। उन्हें किस तरीके से यूज़ करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इस मटकी को अच्छी तरीके से धोकर और सुखाकर साफ़ कर लिया है। अब मैं इस पर एक बेस कलर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने वाइट एक्रेलिक पेंट लिया है और उसको मैंने पूरे के पूरी इस मटकी पर जो है पेंट कर दिया है और अच्छे से सुखाने रख दिया। सूखने के बाद यहाँ पर मैंने ली है ये एक पेपर टेप और बिल्कुल इसके मिडल में मैं इस पेपर टेप को चिपका दूँगी। ये सब टेप और आगे भी जो मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें कोई मेज़रमेंट वगैरह इसमें खास ना लेने पड़े और बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन एक हमारा जो है बन जाए। कुछ इस तरीके की बिंदियाँ मैंने ली हैं। कुछ कलर्स ऐसे हैं जो मैं कभी लगाती नहीं हूँ, तो उनको मैं यहाँ पर इस तरीके से फ्लावर के शेप में लगा रही हूँ। यहाँ पर बिंदियाँ मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जैसे हम गोल शेप को जब पेंट करते हैं, अगर हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो वो बहुत अच्छे से हमारी जो है शेप बन नहीं पाती है। तो ये बिंदियाँ लगाने से आपकी वो समस्या एकदम सॉल्व हो जाएगी और आप गोल शेप को भी बहुत अच्छे से पेंट कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने नीचे जो वाइट पेंट लिया है, आप चाहें अगर तो ना करें वो, पर अगर वाइट पेंट हम करते हैं तो उससे हमारा जो ऊपर हम कलर करेंगे वो काफ़ी अच्छे से निकल कर आता है। ये देखिए, अब मैंने पेपर टेप को नीचे इस तरीके से वर्टिकली थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा दिया है और इस तरीके से हम पूरी की पूरी मटकी पर इसको लगा लेंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर। अब हम इसको पेंट करना स्टार्ट करेंगे। पेंट आप अपने मनपसंद किसी भी कलर में कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा ब्राइट कलर देना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं इसको नीचे की तरफ रेड कलर से पेंट कर रही हूँ। इसी तरीके से हम नीचे सभी जो हमारे तरीके से पार्टीशंस बने हैं उनमें पेंट कर लेंगे। पेपर टेप के ऊपर भी अगर आपका थोड़ा बहुत कलर आ जाए तो उससे आप घबराइए मत। यही इस चीज़ को लगाने का बहुत फ़ायदा है कि बाद में जब हम उसको उतारेंगे सूखने के बाद, तो वहाँ से वो एकदम क्लीन उतर जाएगा और हमारे पार्टीशन बहुत ही सुंदर दिखाई देंगे। अब मैंने ऊपर मटके की जो हमारा ऊपर का हिस्सा है उस पर भी मैंने रेड कलर किया है ताकि ये अच्छा ब्राइट सा लगे हमारा, और जहाँ पर हमने बिंदियों से फ्लावर्स बनाए हैं उस वाले हिस्से को मैं येलो कलर से पेंट कर रही हूँ। ये कलर कॉम्बिनेशन पूरा आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे कलर से अपनी इस मटकी को सजाना है, आपके रूम का कलर थीम क्या है या जहाँ पर आपको इसको डेकोरेट करना है वो कैसी जगह है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है ये टेप का एक खाली रोल। मेरी टेप ख़त्म हो गई थी, उसका ये रोल है। अगर आपके पास ऐसा रोल नहीं है तो आप किसी गत्ते का काट कर भी ऐसा रोल बना सकते हैं। इसको मैंने रेड कलर का पेंट कर लिया है, इसको सूखने रख देते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी सारी की सारी बिंदियों को उतार देंगे। अगर आपका कलर कहीं से उतर जाता है तो आप उसके लिए टेंशन ना लें, क्योंकि वहाँ पर हम अभी दूसरा कलर एक करेंगे तो वो उससे कवर अप हो जाएगा हमारा। इसी तरीके से हम अपनी पेपर टेप भी जो हमने लगाई है उनको भी हम इस तरीके से पील ऑफ कर देंगे और हमारा देखिए जो हमने रेड कलर किया था वो बिल्कुल एकदम क्लीन निकल के आ जाएगा। और हमें दूसरा कलर करने के लिए भी एक प्रॉपर जो है मेज़रमेंट मिल जाएगा कि हमें उतने हिस्से में दूसरा कलर करना है। तो ये देखिए, हमने सारी की सारी जो है पेपर टेप अपनी उतार दी है और इसके बाद अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ ब्लू कलर। जो हमने बिंदियों वाली जगह जिस जहाँ से बिंदियाँ उतारी थी वहाँ पर मैं ये ब्लू कलर कर रही हूँ। आप चाहे तो उसे वाइट ही छोड़ सकते हैं, वाइट भी सुंदर लग रहा है, पर मैं यहाँ पर क्योंकि कलरफुल बना रही हूँ तो मैं इसमें ब्लू और एक ग्रीन कलर और दूंगी आगे, वो आप देखेंगे वीडियो में। और जितनी जगह से हमने अपनी पेपर टेप उतारी थी वहाँ पर भी मैं इस ब्लू कलर से पेंट कर रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने सब जगह से पेंट कर लिया। इसको हमें पीछे तक इस तरीके से पेंट करना है क्योंकि इसके एक यूज़ में थोड़ा सा हमारा पीछे का हिस्सा भी दिखाई देगा, इसलिए हम पीछे से भी इसको सुंदर बनाएंगे। अब यहाँ पर ली है मैंने ईयरबड और ईयरबड से वाइट एक्रेलिक पेंट को लेकर इस तरीके से हर एक जो हमारे ब्लू कलर का डॉट है उसके चारों तरफ इस तरीके से हमें डॉट डॉट करके इस पर फूल बना देना है। ये काफ़ी खूबसूरत इफ़ेक्ट इसका आया है।
अब नीचे का जो हमारा टेप पे हमने रेड कलर किया था उस पर मैं ग्रीन कलर की एक ये लेस लगा रही हूँ। ग्रीन कलर मैंने यहाँ पर इसलिए लिया है ताकि मेरी मटकी में ग्रीन कलर भी आ जाए, बस ग्रीन कलर ही इसमें मुझे और देना था। अब मटकी के बीच वाले हिस्से पर भी मैं इस ग्रीन कलर की लेस को लगा रही हूँ और हमने जो नीचे पार्टीशंस बनाए थे वहाँ पर मैं एक गोल्डन कलर की गोल्ड डोरी लगा रही हूँ। इसी तरीके से हम अपने सारे पार्टीशंस पर लगा लेंगे। और देखिए पार्टीशंस पर लगाने के बाद फिर ऊपर से हम एक बार और ग्रीन कलर की दूसरी लेस जो है नीचे वाले पार्ट पर भी हम लगा देंगे। पीछे की तरफ मैंने लगा दिया है एक गोटा पट्टी का फ्लावर ताकि वहाँ पर भी हमारा ये एक फिनिश्ड सा लगे जब हम इसको सजाएंगे। और ऊपर के वाले हिस्से में मैं यहाँ पर कर रही हूँ वाइट कलर का 3D आउटलाइनर। अगर आपके पास 3D आउटलाइनर नहीं है तो आप यहाँ पर भी ब्रश और कलर की हेल्प से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये काफ़ी सुंदर लगता है। उसके बाद मैंने वही गोल्डन डोरी लेकर और मटकी के जो मुंह हैं उसके चारों तरफ इस तरीके से गोलाई में इसको हम तीन चार अलबेड दे देंगे और यहाँ पर इसको हम जो है ग्लू से फिक्स कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कोई लेस वगैरह भी लगा सकते हैं पर मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर की डोरी का यूज़ किया है। मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ कलरफुल पॉम पॉम, और कलरफुल पॉम पॉम कुछ इस तरीके से लगा रही हूँ कि जो हमारे फूल हैं दो फूल के बीच में एक कलरफुल पॉम पॉम मैंने लगाया है। तो देखिए ये हो गई हमारी मटकी रेडी। अब देखते हैं हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तरीके में तो आप इस मटकी को एज इट इज़ ही जहाँ पर भी रख देंगे ये बहुत ही सुंदर सा आपका एक डेकोरेटिव पीस बन गया है। और इसको आप अपने मंदिर में माखन मिश्री के लिए भी रख सकते हैं, अगर आपको लड्डू गोपाल जी के लिए टांगनी है तो टांग के भी लगा सकते हैं और स्टैंड पर भी इसको रख सकते हैं। दूसरे आइडिया में मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस मटकी को नवरात्रि फेस्टिवल में कलश की जगह पर यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी ये आपकी बहुत सुंदर लगेगी। और तीसरे नंबर का जो आइडिया है वो बहुत ही खूबसूरत है। उसमें देखिए यहाँ पर मेरे पास एक स्टैंड है, उसके ऊपर मैंने एक प्लेट लगाई है, उसके ऊपर हमने अपनी ये मटकी रखी है और मटकी में मैंने ये आर्टिफिशियल गेंदे के फ्लावर्स को इस तरीके से अरेंज कर दिया है जैसे कि ये ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे हों। अगर आपके पास इस तरीके का कोई स्टैंड नहीं है तो यहाँ पर आप कोई पॉट वगैरह भी रख सकते हैं मिट्टी का, या फिर कोई पिलर वगैरह पर भी आप ये अरेंजमेंट बना सकते हैं। और इन गेंदे के फूलों की माला को मैंने नीचे इस तरीके से गोलाई में रख दिया है और उसके बीचों बीच मैंने लगाई है एक हैंडमेड रंगोली और एक छोटा सा दीपक। तो ये इस तरीके का डेकोरेशन आप अपने दिवाली के लिए, अपने नवरात्रि फेस्टिवल के लिए, या किसी भी फेस्टिवल के लिए, या घर में आपके कोई शादी वगैरह का फंक्शन है तो उसमें भी आप इसको लगाएंगे तो ये बहुत ही एक ट्रेडिशनल लुक देगा। इस तरीके की रंगोलीज की पिक्चर्स आपने अक्सर देखी होगी और ये काफ़ी इजी लगा मुझे बनाने में। आर्टिफिशियल फ्लावर्स ये मैं अभी लेके आई थी, और अगर आपके पास आर्टिफिशियल नहीं है तो आप इसमें रियल गेंदे के फ्लावर्स भी लगा सकते हैं। और ये देखिए ये रंगोली भी मैंने बहुत ईजीली सीडी पर हैंडमेड पेपर लगा कर बनाई है। तो दोस्तों आपको कैसे लगे एक ही मटकी से अपने घर को सजाने के ये डिफरेंट डिफरेंट तीन तरीके? अगर अच्छे लगे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन का बटन और ऑल ज़रूर दबा दें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल सकें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय।